सो हेलो पीपल दिस इज योर चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्विकली अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट ऑफ क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस सी जब हम बॉन्ड परचेज सेल करते हैं तो हमें जो परचेज सेल होता है वो डर्टी प्राइस पे होता है वो परचेजिंग सेल एंड डर्टी प्राइस क्या होता है क्लीन प्राइस क्या होता है वो हम समझते हैं देखो अर्लियर हमने पढ़ा था एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वैसे ही होता है क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस कम इंटरेस्ट वाला होता है क्लीन प्राइस मतलब वो प्राइस जिसमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन शामिल नहीं है डाटि प्राइज मतलब वो वाला प्राइस जिसमें इंटरेस्ट पोर्शन शामिल है चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे समझो इकतीस दिन को अपने इकतीस मार्च को लास्ट इंटरेस्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट हुआ ठीक है तीस जून को सोचा कि चलो ट्रेडिंग करते हैं बॉन्ड की और बॉन्ड को सेल करते हैं ट्रेडिंग में सोचा कि चलो अपन सेल करते हैं हमने बॉन्ड को तो सेल कर दिया और तीस नौ अब इकतीस मार्च के बाद अगला इंटरेस्ट तो तीस नौ को आएगा छः महीने बाद अब तब इंटरेस्ट जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ इंटरेस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉन्ड होल्डर को तीस पे बॉन्ड होल्डर कौन है इसको मैंने सेल कर दिया तो ये बॉन्ड होल्डर है अब इसे इंटरेस्ट पूरा आ गया छः महीने का तो या तो तरीका भैया कि छः महीने का इंटरेस्ट आया तीन महीने का इससे ले लो क्योंकि मैंने उसे तीन महीने बाद बेचा था तीन महीने तक तो मेरे पैसे लगे हुए थे तो तीन महीने का इंटरेस्ट ले लो और बताओ ऐसा पॉसिबल होता है क्या ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता तो दूसरा तरीका तुम्हारे पास और एक तरीका यह है कि बेचता समय ही हम रिकवर कर लें मतलब कि जब बेच रहे हैं तब प्राइस के साथ साथ तीन महीने का इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट भी जोड़ दें है ना तो वो जो प्राइस है उसके साथ जो एक इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं वो जो प्राइस कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं हम डर्टी प्राइस ठीक है तो डर्टी प्राइस का मतलब क्या होता है ये कम इंटरेस्ट होता है जिसमें क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट एक अब ये जो अभी हमने समझा कि क्लीन प्राइस में इंटरसैक्ट्रूड होता है वो हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट अब कैसे कैलकुलेट होगा तो ये जो इंटरेस्ट नॉर्मल जैसे जिस तरीके से कैलकुलेट होता है वैसे ही होगा ठीक है अब इस पर हम जो है क्वेश्चन करते हैं ये है क्वेश्चन पेज नंबर टेन पॉइंट वन फोर क्वेश्चन नंबर एटीन मनी मार्केट ऑपरेशन के इस टाइप में क्वेश्चन है तो पहले हम ये क्वेश्चन को देखेंगे एंड देन फिर ये समझेंगे कि यह क्या लिखा हुआ है ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एटीन क्या लिखा हुआ है कि बैंक एंटेड इंटू आर रेपो फॉर फोरटीन डेज विद बैंक भी ओके तो बैंक ए किस में एंटर हुआ रेपो में एंटर हुआ अब रेपो का मतलब क्या होता है रेपो चौदह दिन के रेपो में एंटर हुआ अब रेपो का मतलब क्या होता है कि बैंक ने ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें वो चौदह दिन बाद रीपर्चेस कर लेगा रेपो फॉर फोर्टीन डेज मतलब कि बैंक अभी सेल करेगा और फोर्टीन डेज में रिपर्चेस कर लेगा जिसना सेल इन लीज बैक ट्रांजेक्शन सेल करा पैसे आए वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट तो है ना तो अब बैंक बैंक में जानते हैं इससे रहे कि सिक्योरिटी हमको रखवानी पड़ेगी उसका सेवेंटी परसेंट ही हमको मिलेगा इसलिए बैंक टू बैंक ने ट्रांजेक्शन करा रेपो वाला कि देखो तो ऐसा है कि चौदह दिन का रेपो वाला ट्रांजेक्शन करते हैं हम रेपो फोर्टीन डेज़ का जिसमें मैं आपको सेल करता हूँ अब सेल करूँगा पैसे आएंगे चौदह दिन तक पैसे मेरे पास रहेंगे देन मैं फिर रीपर्चेस करूँगा अब जब मैं आपसे वो बाउंड्री परचेस करूँगा तो ऐसे कैसे मेरे को आपको पैसे देने पड़ेंगे ठीक है तो रेपो हुआ चौदह दिन का विद बैंक भी इन टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ठीक है तो बॉन्ड इधर टेन 10% जी है एट फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट टेन परसेंट टेन परसेंट जी के बॉन्ड है और इनका रीपर्चेस एग्रीमेंट जो चौदह दिन का हुआ है वो फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट के रिस्पेक्ट में हुआ है मतलब समझो कि चौदह दिन पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो फाइव लगेगा वो टेन नहीं लगेगा ये टेन इनका कूपन रेट है ठीक है आप समझते हैं फॉर एट करोड़ ये आठ करोड़ चाहिए होंगे जो भी है इसको एज्यूमिंग डैट क्लीन प्राइस भी नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर टू इस बॉन्ड का क्लीन प्राइस जो है नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू है एंड इनिशियल मार्जिन दो परसेंट है एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट टू डेज है मतलब कि डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट टू डेज है मतलब समझो कि जब ये जैसे कि ये वाले क्वेश्चन जब हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें जब ये सेल कर रहा है तो ये जो तीन महीने का इंटरेस्ट है ना ये एक्रूड इंटरेस्ट है मतलब कि लास्ट इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो सौ बासठ दिन हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी मैं जब इसका रीपर्चेस एग्रीमेंट में जब मैं इसको बॉन्ड सेल करूंगा तो मेरे को दो डेज का इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा अब मुझे बताओ चौदह दिन का इंटरेस्ट की बात करी है तो चौदह दिन का इंटरेस्ट हमारा फाइव एग्रीड इंटरेस्ट है तो जो पुराना दो दिन का था उधर तो टेन परसेंट जी बॉन्ड है ना उधर तो कूपन रेट हमको ऐड करना पड़ेगा अब कूपन किस पर कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू क्या है हंड्रेड मान लो ठीक है तो अब समझो क्या करना पड़ेगा क्लीन प्राइस हमारा नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर टू है ठीक है दिख रहा है अब हंड्रेड का हमने कितना परसेंट निकाला टेन परसेंट निकाला कितने दिन का हम कैलकुलेट करें, करेंगे दो दिन का डेज हम थ्री मान लेते हैं इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो सेवन आया अब नाइन्टी नाइन पॉइंट फोर टू प्लस सेवन पॉइंट टू सेवन क्या आया वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जीरो जब हमने कर लिया क्लीन प्राइस में इंटरेस्ट एक््रूट हमने ऐड कर लिया अब वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जीरो पर सेल होगा अब समझो डर्टी प्राइस हम सेपरेटली ही कैलकुलेट करते हैं राइट हमने ये कैलकुलेट किया डर्टी प्राइस अब आठ आठ करोड़ के जी ओ वाई बॉन्ड को सेल करने का है ठीक है ताकि हमको मिले रुपए तो ये तो नॉमिनल वैल्यू है ये जो आठ करोड़ है ये तो नॉमिनल वैल्यू है अब समझो आठ करोड़ है नॉमिनल वैल्यू है तो डिवाइड बाय इसको फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू करो तो आठ करोड़ का डिवाइड बाय फेस वैल्यू कितना करोगे जो भी आएगा एट वन टू फोर सिक्स सेवन ओके डिवाइड बाय हंड्रेड इन ठीक है ये हमारे बॉन्ड्स आ गए इसको हम कितने बेचेंगे डर्टी प्राइस पर बेचेंगे वन जीरो सिक्स पॉइंट सेवन जीरो हमने जो है इसको बेचा अब बेचते समय क्या लिखा हुआ है इनिशियल मार्जिन दो परसेंट है ठीक है तो दो परसेंट वो डिडक्ट हो जाएगा तो इन पॉइंट नाइन एट कर दो इससे आ जाएगा आपका एट थ्री सिक्स फाइव टू एट डबल जीरो मतलब कि एट थ्री सिक्स फाइव टू एट डबल ज़ीरो इधर लेते हैं या तो चलो एट थ्री सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो ले लेते हैं तब ये क्या है ये वो है कि ये जो जी आई के जो आठ करोड़ के नॉमिनल वैल्यू की बॉन्ड है ना मैंने उसको सेल करा है डर्टी प्राइस अमाउंट पे ठीक है दो सौ बासठ दिन का इंटरेस्ट था उसको एक्रूड करके मैंने उसको सेल कर दिया अब चौदह दिन बाद मेरे को रीपर्चेस करने का है अब जब मैं रीपर्चेस करूंगा तो ये एट थ्री सिक्स फाइव टू एट डबल जीरो पर कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट का वो ये फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट का इंटरेस्ट है ये कितने दिन का रहेगा ये चौदह दिन का रहेगा तो फोर्टीन डिवाइड बाई स थ्री सिक्सटी करो तो आपने जो है ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया एट थ्री सिक्स एट थ्री सिक्स फाइव थ्री ट्रिपल ज़ीरो पर ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रोज वो आएगा वन एट थ्री एट जीरो थ्री ठीक है वन एट थ्री एट जीरो थ्री ये इंटरेस्ट आप ऐड कर लो एट थ्री सिक्स फाइव थ्री ट्रिपल ज़ीरो में आपने इसको ऐड करा तो ऐसे में आ जाएगा आपका एट थ्री एट थ्री सिक्स एट ज़ीरो समझ रहे हो तो आपने वो जो प्राइस है ठीक है वो आपको प्राइस रिसीव हुआ अब जो है आप उनको पे करोगे पे करोगे तो चौदह दिन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप उसको करोगे चौदह दिन के इंटरेस्ट पे। तो इसमें हम दो तीन चीजें समझे हैं। कि जो मार्जिन होता है ठीक है, सेल पे लगता है। तो परचेस पर नहीं लगता परचेस करा तो हमने मार्जिन ये सब को नहीं ऐड करा ये सब चीजें साथ ही साथ ये जो आठ करोड़ है ये नॉमिनल वैल्यू है सो इस तरीके से हमने ये देखा था कि जो रेपो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है जहाँ पे आप सेल करते हैं बॉन्ड को और देन बाय बैक करते हैं ठीक है और इस तरीके से जो है सेल करते हैं देन बाय करते हैं तो आपके पास कुछ टाइम तक पैसा रहता उसका है उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स होती है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एट द रेट एग्रीड एग्रीड रेट हमारा फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट उस पर चौदह दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कूपन रेट पे जब आप बॉन्ड को सेल करोगे डर्टी प्राइस निकालोगे तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा कूपन रेट पे टेन परसेंट के कूपन रेट पे दो सौ बासठ दिन के लिए ठीक है और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है वो फ़ेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू यही है अगर इसको चार्ट से देखें तो उसको डायग्राम से देखें तो आपने सेल करा आपके पास पैसे आए जो पैसे आएंगे वो डर्टी वाले पोर्शन से आएंगे ठीक है एंड देन जब आप परचेस करोगे ठीक है तो आपने सेल करा अब आप उसको परचेस करोगे आपको पैसे जाएंगे वो पैसे जाएंगे तो चौदह दिन के इंटरेस्ट के साथ वो पैसे जाएंगे ठीक है सो इस तरीके से हमारा क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस ओवर होता है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सी ए टी वी थैंक यू आपके सब्सक्रिप्शन से ये बेनिफिट ये रहता है कि आप भले सब्सक्राइब कर दीजिए और इनफैक्ट आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए बट इनडायरेक्टली वो एक मोटिवेशन क्रिएट करता है कि चलो ठीक है यार आप कुछ हेल्पफुल कर रहे हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब